हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग मूवी रिव्यूज ब्लॉग। सो गाइस, इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करने वाले हैं। फिल्म के डे वाइज बिज के बारे में बात करेंगे, फिल्म की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे एंड फिल्म ने सेकेंड वीकेंड तक कितना बिजनेस किया उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, फिल्म के बजट और उसके वर्डिक्ट का आपस में लेना देना कुछ होता है नहीं, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता ऐसी बातें फैलाता कौन है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि फिल्म का बजट 100 करोड़ है और अगर फिल्म ने 110 या 120 करोड़ कमा लिया तो फिल्म हिट हो जाएगी। मतलब क्या लॉजिक है इस चीज के पीछे? आपके हिसाब से 100 करोड़ प्रोड्यूसर्स ने लगाया और जो 120 करोड़ आया वो प्रोड्यूसर्स के पास गया। मतलब जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, एग्जीबिटर्स बैठे हैं, उनका तो कुछ रोल ही नहीं है ना इस चीज में। इसलिए कभी भी बजट और उसके वर्डिक्ट का आपस में कुछ लेना देना होता है नहीं। इतने आर्टिकल छपे कि फिल्म का बजट 400 करोड़ है, 500 करोड़ है, फिल्म को ब्रेक इवन करने के लिए 600 करोड़ चाहिए, 700 करोड़ चाहिए, तो ये सारा कुछ रॉन्ग है जितने भी ऐसे आर्टिकल्स छपे हैं। सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, जो फिल्म के लिए बजट अलॉट हुआ है वो एक फिल्म के लिए नहीं, पूरी ट्रिलॉजी के लिए हुआ है। फिल्म का जो मेकिंग का कॉस्ट है कहीं ना कहीं 150 से 200 करोड़ के आसपास का होगा, लेकिन जो कॉस्ट है जो फिल्म डिले हुई है, डिले होने की वजह से अलग बजट बढ़ा है, उसके बारे में हमें कुछ पता लगेगा ही नहीं क्योंकि वो मेकर्स ने रिवील नहीं किया है। बट ऑन एन एवरेज अगर एक फिल्म 7 साल तक डिले होती आई है तो उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा एंड फिल्म का बजट बढ़ता रहेगा, तो मे बी 100 करोड़ से ज्यादा का बजट बढ़ गया हो वहाँ पे। लेकिन जो भी वो बजट बढ़ा है वो एक तरीके से पूरी ट्रिलॉजी के लिए बढ़ा है। वो फिल्म वहाँ पे डिले हुई लेकिन जो भी अलॉटमेंट है वो पूरी ट्रिलॉजी के लिए की गई है एक साथ में। फिल्म की जो नॉन थिएट्रिकल रिकवरी है वो कहीं ना कहीं 200 करोड़ के आसपास की है। इसमें आगे आपका सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स, तो कहीं ना कहीं 200 करोड़ के आसपास की रिकवरी फिल्म की पहले ही हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे कि फिल्म ने थिएटर्स से कितनी रिकवरी की एंड फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट कैसे हुई। फिल्म के डे वाइज बिज के बारे में बात करते हैं। फिल्म ने डे वन कलेक्ट किया था 36.5 करोड़, फिर फिल्म ने सैटरडे को जंप लिया था 42 करोड़, फिर संडे को फिर से जंप लिया था 44.5 करोड़। जो फिल्म का वीकेंड रहा था वो था 123 करोड़ नेट। मैंने एक वीडियो भी बनाया जो फिल्म ने वीकेंड में अपने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके जरूर देखिए। तो ये तो था वीकेंड का बिज। अब बात करते हैं वीकडेज के बारे में। फिल्म ने मंडे को कलेक्ट किया 17 करोड़, जो कि 50% से थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप था अगर आप फ्राइडे के कंपेरिजन में लोगे फिल्म को। फिर फिल्म ट्यूजडे को थोड़ा और ड्रॉप होती है 13.5 करोड़, फिर फिल्म का वेडनेसडे आया 11 करोड़, फिर थर्सडे आया 8.5 करोड़। तो यहाँ पे लग रहा था ब्रह्मास्त्र में भी 250 करोड़ नेट ना कर पाए, लेकिन फिल्म का जैसे ही सेकेंड वीकेंड आया फिल्म वेंट ऑन अ रैम्पेज मोड। अगर आपको ट्रेड की नॉलेज है थोड़ी भी फिल्म्स कैसे वर्क करती हैं तो आपको भी पता होगा, जैसे फिल्म्स अपने सेकेंड वीक में जाती है तो फ्राइडे को ड्रॉप आता है एंड सैटरडे को जंप आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ फ्राइडे को ही जंप आ गई एंड फिल्म ने 9.5 करोड़ कलेक्ट किया। फिर आती है सैटरडे को इनसेन ग्रोथ 15 करोड़, फिर संडे को 17 करोड़। इसी के साथ ही फिल्म ने 200 करोड़ नेट का बॉक्स ऑफिस भी क्रॉस कर दिया इंडियन बॉक्स ऑफिस पे। फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है आफ्टर सेकेंड वीकेंड वो है 214.5 करोड़ इंडिया नेट, एंड ग्रोस के बारे में बात करें तो वो है 258 करोड़, एंड अगर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें तो वो हो चुका है 360 करोड़। वर्ल्ड वाइड ग्रोस इज इक्वल्स टू इंडियन ग्रोस प्लस ओवरसीज ग्रोस। अब फिल्म ने 214 करोड़ नेट के आसपास का बिजनेस कर लिया है, तो इसमें से कहीं ना कहीं जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है वो 100 करोड़ से ऊपर का हो चुका है इस वक्त, एंड लाइफ टाइम क्योंकि फिल्म का 250 करोड़ से ऊपर जाने वाला है, मे बी 260, मे बी 275, जितना भी जाता है, तो मैं एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ जो फिल्म का फाइनल शेयर जाएगा इंडिया का वो जाने वाला है 130 करोड़ के आसपास, 125 करोड़ या 130 करोड़ इतने के आसपास जा सकता है। और बात करें ओवरसीज के बारे में तो शेयर जाने वाला कहीं ना कहीं 50 से 60 करोड़ के बीच में। तो जो यहाँ पे थिएट्रिकल रिकवरी है वो कहीं ना कहीं 180-190 करोड़ के आसपास की होने वाली है वर्ल्ड वाइड। बॉलीवुड का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो साउथ से काफी अलग है। वैसे तो फिल्म्स टू फिल्म्स ये वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड फिल्म्स का कमीशन बेसिस पे होता है ये सब कुछ। तो यहाँ पे जो थिएट्रिकल शेयर बना है 100 करोड़ से ऊपर का, उसके चलते कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी एग्जीबिटर, कोई भी लॉस में नहीं गया है। उसी रीजन की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है। फाइनल शेयर 130 करोड़ के आसपास जाने वाला है, तो वो डेफिनेटली इस कंडीशन से भी बेटर है। सो दैट्स हाउ इट इज अ बॉक्स ऑफिस हिट। इट मे नॉट बी सम एपिक ब्लॉकबस्टर, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट जरूर है। और कोई आपको कह रहा है कि फिल्म का बजट 400 करोड़ है,
फिल्म का बजट 500 करोड़ या 600 करोड़ कमाने थे, तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। मैं अपने आप को यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं बता रहा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन उन लोगों से बेटर ट्रेड वालों को पता है। और बाकी भाई, फ्री कंट्री है, फ्री स्पीच है, जिसको जो बोलना है बोलेगा ही, आप उसको कितना ही समझा लो, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। सेकेंड पार्ट के जो इनिशियल्स होंगे वो देखने लायक होंगे। वहाँ पे भी कुछ लोग कहेंगे अरे इस फिल्म का बजट इतना है, इस फिल्म का बजट इतना है, इतने कमाने होंगे, लेकिन ऐसे ट्रेड वर्क बिल्कुल भी नहीं करता है। सो आई रियली होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मैं अपनी अगली वीडियोज में कवर करूंगा डिस्ट्रीब्यूटर शेयर, एग्जीबिटर शेयर या जितनी भी टर्म्स होती हैं बॉक्स ऑफिस की, उससे रिलेटेड। सो आपको क्या लगता है फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कितना होने वाला है, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल।